नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज नहीं दिख रहा हूँ। एक्चुअली उसका एक रीज़न है। देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखना सभी लोग, ठीक है। हमारी क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे लाइव आने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है ना। मेरी क्लासेस भी नहीं हो पा रही यूट्यूब पर, तो मैं आपको रिकॉर्डेड में सारी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज। देखिए, 21 नवंबर को, यानी कि कल रात को हमारा टेस्ट हुआ था, 21 नवंबर 2021 को रात को 8 बजे। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें टेस्ट में भाग लिया, ठीक है। मैं आपको आज टॉप 50 लोगों का बताऊंगा डेटा, ठीक है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चंस पेपर था हमारा। हालांकि कुछ अभी ऐप में पता नहीं क्या इशू हुआ है कि बहुत सारे लोग जो थे उसमें से उनका सबमिट नहीं हो पाया, तो उनका जो रैंक बनना था वो उसमें शो नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको फिक्स करवा दूंगा ऐप में पता करके क्या एरर आया है। लेकिन जितने लोगों ने टेस्ट दिया है उनकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, ये दूसरा चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अब। देखिए, ये एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कि जो एमपी पुलिस के विद्यार्थी हैं, जितने भी जो एमपी या मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए एक शानदार मौका है अब आपके लिए। क्या है कि एमपी पुलिस स्पेशल अब एक हम टेस्ट कराने वाले हैं आपका। मतलब ऑल इंडिया टेस्ट चलता है वो तो ठीक है, एक एमपी पुलिस स्पेशल हम टेस्ट करवाने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का हर एक विद्यार्थी शामिल हो पाएगा। और जो भी टॉप करेगा 20 लोग, उनको हम एमपीएसआई यानी कि एमपी पुलिस के ही प्रिपरेशन के लिए हम कोर्स फ्री देंगे एमपीएसआई का, ठीक है। तो ये एमपी की जो तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की, उनके लिए सुनहरा मौका है। इस कोर्स के अंदर हमने मैथ पढ़ाया है, रीजनिंग पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाया है। इसके साथ साथ एमपी का पूरा जीके और पंचायती राज भी पढ़ाया है। इसका मतलब अगर जिसको एमपीएसआई का भी कोर्स मिलेगा, उसकी कांस्टेबल की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा पटवारी का प्रिपरेशन भी बहुत बेस्ट लेवल का हो जाएगा। इसके अलावा एमपीएसआई तो खुद हो ही रहा है, और इसके अलावा जो भी इनके लेवल का एग्जाम्स है जिनमें ये सारी चीज़ें या इनमें कम भी चीज़ें आती है, तो वो यहाँ से तैयारी कर पाएगा अपनी। तो अब आपके पास बढ़िया मौका है। आप सोचते थे पहले, काफ़ी लोग कहते थे कि सर ये लेवल काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते हैं आप, या काफ़ी ज़्यादा लेवल का टेस्ट लेते हैं, हम नहीं कर पाते। तो स्पेशली एमपी पुलिस लेवल का हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं, और ये होगा आपका 12 दिसंबर को। देखिए, हर महीने ही करवा पाएंगे, हर दिन नहीं करवा पाएंगे, हर महीने नहीं करवा पाएंगे। ये टेस्ट 12 दिसंबर को होना है, रात को 8 बजे। उसके पहले जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं ऐप के अंदर, मैं 100% उनको सबको सही करवा दूंगा, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। चलिए, अब मैं आपको टॉप 50 लोग जो हैं, 50 लोगों का बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, 50 से ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि फिर ज़्यादा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हमें बताना फिर, क्योंकि बहुत कम नंबर होते जाते हैं स्टूडेंट्स के फिर, और हम किसी भी प्रकार से उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहते। 50 लोगों का इसलिए क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना कि 20 टॉप का नाम ले लेते हैं, लेकिन एक 21वां सोचता है कि क्यों ना मैं एक नंबर से रह गया, मेरा नाम आ जाए। इसलिए हम 50 ले रहे हैं, ठीक है। जो जिन्होंने टेस्ट दिया और जिनका सबमिट हुआ, मैं उनमें से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहले है मुस्कान पटेल, ठीक है, रिंचू, जो कि पहली बार भी सेकेंड नंबर की 81 मार्क्स होल्डर रही थी, ठीक है। इनका इस बार 82.80 आया है। और एक बात और बता दूं कि पिछले टेस्ट से इस टेस्ट का लेवल और अच्छा था। मतलब पिछले टेस्ट का लेवल ठीक था, ये थोड़ा और अच्छा लेवल का था। उसमें इनके नंबर 2.80, मतलब 2.80 मार्क्स और बढ़ गए हैं। तो मुस्कान पटेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ये तो वैसे भी टॉपर से हमारे यहाँ की। अविनाश शर्मा, ये कोई नया स्टूडेंट है, मैं नहीं जानता इनको। इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 77.25, ठीक है। रितिका सिंगरौली, अब ये सिंगरौली जिला है या सरनेम है पता नहीं चल रहा है मुझे, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। एक कोई प्रिंस करके हैं भैया, ठीक है, इन्होंने 71.75 स्कोर किया है। देखो, पेपर का लेवल अच्छा था, थोड़े कहूंगा मैं कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल था उसका, ठीक है, इसलिए इतने ही नंबर आए, वरना ये 90+ भी ला पाते अगर पेपर आसान होता। सौरभ सिंह लोधी, इनका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा, 66.50। शैतान कीर, ये है 65.25। जुगनू करके हैं भैया, देखिए अब लेवल अचानक से गिर गया है, क्योंकि लेवल अच्छा था पेपर का इसलिए। फिर श्रुति कौरव, ये हर बार दो बार पेपर में रह गई थी टॉप 25 में आती आती, इस बार इनका जरूर आ गया है 63.75 पे। एक कोई सोनू है भैया, है ना, एक है सलोनी श्रीवास्तव, राकेश यादव, ये पिछले भी विनर्स रहे हैं, तो इस बार फिर से इनका नाम आया है 62.75 के साथ में। पंकज ओझा नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका नाम आया है। बिट्टू पटेल, ये हमारी एडमिन है, इनका भी बहुत बहुत शुभकामना, इनका भी अब नाम आया है। आई एम अलोन, ये कोई पंकज गर्ग के कोई हैं, इनका भी नाम आया है, बहुत शुभकामनाएं सभी को। अतुल सिंह तोमर, अंजलि शुक्ला, देवी सिंह, आर्य लोधी,
इन्होंने भाई सुबह ही पूछा मुझसे कि सर मेरे को ज़रूर बता देना, भाई साहब आप 17th रैंक हासिल करके 60 नंबर के साथ आपका रैंक बना है। ठीक है, हिमानी पंड्या ये भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और संगीता तनवर ये भी ब्रिलियंट, ये दोनों धुरंधर हैं। ये भी आर्य लोधी भी बहुत ब्रिलियंट है, बाकी को मैं नहीं जानता। बिट्टू पटेल भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, राकेश यादव तो है ही ब्रिलियंट, आप जानते ही हैं। ठीक है, बाकी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। ये दीपांशु सोनी है भाई साहब, पिछली बार इन्होंने फोटो देने से मना कर दिया था, इस बार इन्होंने 57 स्कोर किया है। कोई बात नहीं, कम नंबर नहीं है, ये लेवल ज़्यादा है इसलिए कम नंबर है। आपका एग्जाम का लेवल काफ़ी आसान आता है, जो हम जो बनाते हैं पेपर उसका लेवल हम औसतन पेपर से ज़्यादा ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हम उस लेवल का तैयार कर रहे हैं कि जो पेपर में दिखेगा वो आपको आसान लगने लगे, है ना। उस लेवल का हम पेपर सेट करके आपको डराना नहीं चाहते, हम उससे आपकी सच्चाई वाकिफ करना चाहते हैं कि आप मेहनत करिए, और क्योंकि आप हमारे लेवल के बराबर नहीं आ पा रहे हैं तो पेपर के लेवल के बराबर कैसे आएंगे एग्जाम में। इसलिए मेहनत करिए, कभी भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, ये 20 लोग थे हमारे। इसके अलावा 21वें सत्या पांडे, कविता कौरव, हिमानी शुक्ला, हिमांकी शुक्ला, सॉरी हिमांकी शुक्ला, नरेंद्र दुबे, आकाश डांगी, यशवंत चौरसिया, नवीन विश्वकर्मा, शेर खान गुस्से में है भाई साहब, ध्यान रखना इनसे बच के रहना, मिस मोना, इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया, ये भी बहुत ब्रिलियंट है दोनों, शेर खान और मिस मोना ब्रिलियंट स्टूडेंट है दोनों, प्रमिला पोरवाल। देखिए मैं जिसको ब्रिलियंट नहीं कह रहा हूँ उनको मैं जानता नहीं हूँ, है ना। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सर मैं भी ब्रिलियंट हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं अक्सर इनको देखता हूँ फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन के अंदर, ये बहुत अच्छे से जल्दी से आंसर करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, है ना, तो मैं इनको जानता हूँ। रुचि त्रिपाठी ये भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टेलीग्राम में इनको मैंने देखा है। ठीक है, इसके अलावा सागर श्रीवास्तव, प्रमिल पोरवाल, विनु जैन ये भी ब्रिलियंट है। ठीक है, ये काफ़ी होशियार हैं। ठीक है, रविंद्र प्रजापति, किसी का नाम गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, विवेक नरगावे, कृष्णा कुमार कुमावत है, एस के रावत जी है, रो हिट मार दिया भाई साहब चौधरी जी ने, है ना, कमिश्नर साहब हैं एक तो हमारे। ठीक है, कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया। देखिए ये नंबर कम नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि 43 वालों का सर क्या बता रहे हो आप, तो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, धज्जियां ना उड़ जाए ना दिमाग की, फिर आप कहना कि वास्तव में पेपर था और 43 लाना भी मुश्किल था, है ना, तो एक रिस्क है। और दूसरी बात यह है कि हमने एक चीज़ कह दी थी गलती से कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो बहुत सारे लोगों ने तो उतना ही सॉल्व किया जितना उनको करना चाहिए था, ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने उतना ही सॉल्व किया जितना करना चाहिए था, बाकी उनको जो नहीं आता था उन्होंने छोड़ा है, तो हो सकता है ये जो नंबर कम आए हैं ये उनका निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के कम आए हो, क्योंकि हमारी जो टेक टीम थी मैं उनको बोलना भूल गया कि निगेटिव मार्किंग देना है, और उन्होंने निगेटिव मार्किंग शायद नहीं दिया, दी है, पता नहीं क्या इशू हुआ है। ठीक है, इसलिए भी हो सकता है कम नंबर आए हों आपके, है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी या होगी, जो भी था मैं भूल गया हूँ क्या चीज़ें थी, तो शायद उसके कारण भी अभी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ कि ऐप में क्या प्रॉब्लम है या निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, तो ये नंबर हो सकता है निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के भी स्टूडेंट ने कम किए हो, और शायद निगेटिव मार्किंग ना हो, है ना, तो ये भी एक हो सकता है। एक उमा चौहान ब्रिलियंट स्टूडेंट है, संजय पटेल, सुनील यादव, अरुण प्रजापति ब्रिलियंट है ये भी, है ना, रविंद्र पटेल वेरी गुड, अभिषेक मीना, मियाँ भाई ये भी हैं, एक सरोज बिसेन है, सीमा बिसेन है, जी के रावत, अजय पवार ये भी ब्रिलियंट। देखो मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में बता सकता हूँ, मैं जिनको नहीं जानता हूँ वो अपनी काबिलियत सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 50 लोग हैं, इन्होंने बहुत कम नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर किया, और अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं औसतन से। आप सोच रहे होंगे सर 100 में से 20 लाना कहाँ की अच्छी बात है, नहीं, एक्चुअली कॉन्स्टेबल अगर आप लेवल की तैयारी कर रहे हो और आप इस पेपर में 20 नंबर ला रहे हो तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं, है ना, बहुत अच्छे नंबर हैं, ऐसा कुछ नहीं। खैर तुक्के मारोगे तो भी 20 तो आ ही सकते हैं किसी के, ये वो नहीं है, पर फिर भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया जो हमने डिसाइड किया, है ना। हालांकि ये बहुत थोड़े से मुझे लगते हैं कम नंबर हैं, कम से कम 50% बनना चाहिए आपके, यहाँ तक भी ये सारे कम हैं, है ना, यहाँ से आपके ऊपर ऊपर वाले हैं ये, है ना। शेर खान गुस्से में हैं चाहें आप, लेकिन आपके 50 से भी कम नंबर आए हैं, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, घबराए बिल्कुल भी नहीं, डीमोटिवेट ना हो किसी प्रकार से। और कई लोग सोचते हैं मेरा नाम नहीं आता कभी भी, आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आपका नाम जरूर आएगा एक दिन, और मैं खुद आपका फोटो लगाऊंगा। ठीक है, इस बार में जितने लोगों का नाम आया है मैं माफ़ी चाहूँगा, समय की व्यस्तता के कारण और समय कम होने के कारण मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और रिकॉर्ड करके मैं ये डेटा या जानकारी आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास काफ़ी समय होगा, इस बार हमारी क्लासेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि हम आपको लाइव आकर के इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, वरना मैं इसका अलग से बताता आपको,
और मैं इसके बारे में भी आपको अलग से बताता, पूरा एक अलग से वीडियो बना के, ठीक है। हालांकि जैसे मेरे पास अभी वर्कलोड खत्म हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको लाइव आकर के इसकी पूरी जानकारी दूंगा, टेस्ट कैसे देना है, कहाँ देना है, कब दिखेगा, कैसे देना है। और टॉप 50 जो लोग हैं, मैं आप देखिए टॉप जो 20 लोग हैं, ये जो 20 लोग हैं, है ना, ये जो 10 से लगा के ये 20 तक, आपको मैं सुझाव दे देता हूँ, आप अपना ईमेल आईडी हमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और दूसरी बात, आपको अगर टी शर्ट्स चाहिए तो आप टी शर्ट्स लिख दीजिएगा साथ में। और दूसरी बात, अगर आप टी शर्ट्स लिखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपको टी शर्ट्स चाहिए तो पूरा एड्रेस भेजना, अपने गली मोहल्ले मकान नंबर तक का, अपना राज्य, अपना जिला, अपना गांव, है ना, अपनी तहसील, अपना जिला जो भी है ना, सारी चीज़ें, संभाग वगैरह, टोटल पिन कोड के साथ भेजना, है ना। तो अगर आपको टी शर्ट्स लेना है तो आप पूरी डिटेल भेजिएगा एड्रेस की, और अगर आपको टी शर्ट्स नहीं चाहिए तो आपको एड्रेस भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना साथ में, ठीक है। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप जरूर कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, क्लियर लिखिएगा कि आपको मैथ्स फाउंडेशन चाहिए या रीजनिंग फाउंडेशन चाहिए। देखिए दक्ष बेच का हम पहले ही मना कर चुके थे, दक्ष बेच की कीमत ही 7,000 रुपये है, उसको हम छोड़ के जो भी कोर्स आप लेंगे वो हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो 20 लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी सभी लोग मेहनत कीजिए, अगली बार इन 20 के अंदर आइए आप, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप जितने भी लोग हैं या जो 50 में शामिल नहीं हुए हैं, एमपी पुलिस का जो टेस्ट होने वाला है 12 दिसंबर को, उस बार उस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बाकी सभी लोग नए दिखेंगे मुझे इन 20 को छोड़ के, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।